बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। सीट बंटवारे को लेकर भी सारी पॉलिटिकल पार्टियों की तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी है। राजनीतिक दलों ने भी पहले चरण की सीटों पर चुनाव लड़ने वाले अपने नेताओं के नाम की सूची जारी कर दी है। जेडीयू ने अपने पूरी 115 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की जानकारी दे दी है और वहीं राजद ने पहले चरण में चुनाव के मैदान में उतर रहे 42 नेताओं के नाम जारी कर दिए हैं। अगर आप उस लिस्ट को ध्यान से देखें तो आपको ये नजर आएगा कि ऐसे बहुत से मौजूदा विधायक हैं जिन्हें इस बार लिस्ट से निकाल बाहर कर दिया गया है। जेडीयू में करीब दर्जन भर ऐसे नेता हैं जिन्हें इस बार नए प्रत्याशियों के कारण टिकट नहीं दी जाएगी। इस बारे में जेडीयू ने ये कहा है कि वो इस बार नए चेहरे पर दाव लगा रही है। तो वहीं राजद के भी कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें अपनी ही सीट पर चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। मैं आपको जेडीयू के उन नेताओं के नाम के बारे में एक बार बता देती हूँ। बाबू बरही सीट से कपिल देव कामत, फूलपरा सीट से गुलजार देवी, बेनीपुर सीट से सुनील कुमार चौधरी, जीराधी सीट से रमेश सिंह कुशवाहा, वैशाली सीट से राजकिशोर सिंह, सुल्तानगंज सीट से सुबोध राय, अमरपुर सीट से जनार्दन मांझी, राजगीर सीट से रवि ज्योति कुमार, डुमराव सीट से ददन पहलवान, एकमा सीट से मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह। राजद के वो नेता जिन्हें इस बार टिकट नहीं मिली है उनके नाम है ओबरा सीट से विजेंद्र प्रसाद, मखदूमपुर सीट से सूबेदार दास, अतरी सीट से कुंती देवी, आरा सीट से अनवर आलम, अरवल सीट से रविंद्र सिंह, पालीगंज सीट से जयवर्धन यादव, काराकाट सीट से संजय यादव। इस बार एक मसला ये भी है कि अपनी सहयोगी पार्टियों को खुश करने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी सीटें छोड़ दी है और कुछ नेता इसी कुर्बानी का शिकार हो गए हैं। सत्ता का मोह तो ऐसा है कि जीत हासिल करने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां उन नेताओं को भी टिकट नहीं दे रही है जिनके सहयोग से उन्होंने सरकार बनाई थी। अगर आप चुनाव के मोटिव में फिट नहीं तो आपका नाम लिस्ट में नहीं। बिहार के पहले चरण के चुनाव 28 अक्टूबर को हैं और दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव 3 नवंबर और 7 नवंबर को होंगे। वोटों की गिनती 10 नवंबर को की जाएगी। देखना अब ये है कि बाकी के दो चरण के नामांकन में ऐसे और कितने नेता होंगे जिनका टिकट काट दिया जाएगा, ऐसे और कितने नेता होंगे जो अपनी ही सीट से दोबारा चुनाव के लिए खड़े नहीं हो पाएंगे। इस खबर में इतना ही। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी हमारा चैनल उन्हें आप तक पहुंचाता रहेगा। अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। स्क्रीन पर दिख रही डिटेल से आप जनता जंक्शन तक डोनेशन पहुंचाकर अपना सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन के पेज को लाइक करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जनता जंक्शन की टीम से इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। मैं हूँ सौम्या राठी, कैमरे के पीछे हैं खड़े मोहित और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।